students myself puja patwar and today we are going to learn how to write a descriptive paragraph i'll be telling you what is a descriptive paragraph what is the format of writing a descriptive paragraph and how on which topics you can write a descriptive paragraph so first of all descriptive paragraph is a writing that describes a person place scene or thing in such a way that the picture is formed in the reader's mind सो so, अगर आप कोई चीज़ देख रहे हो किसी चीज़ के बारे में पैराग्राफ लिख रहे हो तो आप उस चीज़ को डिस्क्राइब कर रहे हो अगर आप किसी इंसान के बारे में लिख रहे हो यू आर डिस्क्राइबिंग दैट पर्सन इन सच अ वे कि जो उसको रीड कर रहा है आपके पैराग्राफ को ही कैन वेल इमेजिन दैट पर्सनैलिटी उस पर्सन को वो इमेजिन कर पा रहा है अगर आप किसी सीन को uh, कर रहे हो उसको आप डिस्क्राइब uh, कर रहे हो तो इतने अच्छे से कर रहे हो कि रीडर उसको इमेजिन कर पा रहा है कि वो जगह कैसी है सो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग इज़ रिटन यूजिंग फाइव सेंसेस ईयर्स मीन्स लिसनिंग टेस्टिंग एंड स्मेलिंग देन सींग एंड टच तो ये हमारी फाइव सेंसेज है जिनको यूज़ करके हम डिस्क्रिप्टिव राइटिंग करते हैं जैसे अगर आपने कोई चीज़ टेस्ट करी है अगर आपने कोई देखा है या किसी चीज़ को फील किया है सो यू आर यूजिंग योर वर्ड्स अकॉर्डिंगली इतने इफेक्टिवली यू आर राइटिंग एंड द यू आर यूजिंग सच काइंड ऑफ एडजेक्टिव दैट द थिंग कैन बी विजुलाइज बाय द रीडर ही कैन वेल इमेजिन द सिचुएशन ही कैन वेल इमेजिन द पर्सन ही कैन Well imagine the texture that you have felt. He can well imagine the situation that you have seen, right? Means your words are so powerful that the reader can read to uh, reach to that a uh, person or reach to the thing. So next is descriptive paragraph often uses figurative languages. फिगरेटिव लैंग्वेज यूज़ हो करता है जैसे मैटाफो परसोनिफिकेशन एलिट्रेशन हाइपरबोल सेमिली एंड ईडियम्स तो ये फिगरेटिव लैंग्वेज यूज़ की जाती है परसोनीफिकेशन होता है जब किसी चीज़ को ज़्यादा प्यूटिफाई करने के लिए इतने अच्छे से आप करो जिसको किसी वर्ड्स को किसी और चीज़ के लिए डिस्क्राइब करने के लिए आप यूज़ करो एंड एलिट्रेशन uh, बार बार किसी कॉन्सनेंट साउंड का यूज़ होना वो एलिट्रेशन है मेटाफर इज जस्ट लाइक परसोनीफिकेशन मेटाफर भी जिसे किसी चीज़ को उसका मीनिंग कुछ और हो बट उसको किसी चीज़ को इमेजिन करने के लिए यूज़ किया जाता है ठीक है ब्यूटिफाई करने के लिए हाइपरबोल होता है जब किसी Uh, इंसान के लिए जब कोई चीज़ को किसी स्टेटमेंट को एग्जाग्रेट करके लिखना जैसे आई वॉज सो हंग्री दैट आई कुड ईट अ हॉर्स तो ये क्या हो गया ओब्वियसली नो नो वन कैन ईट द हॉर्स बट इट इज़ टू इट इज़ यूज देर आर द वर्ड टू ईट अ हॉर्स इज यूज एज अपर बोल देन सिमली जैसे हम दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं ईडियम्स जो हमारे प्रोवर्ब्स वगैरह होती हैं नो नाउ वी विल Learn how to write a paragraph describing person. Description of people is a biographical sketch of their lives from birth to present time, highlighting major events or uh, achievements during that span. In short, it entails a person's characteristics and events related to his life and their effects on his life. सो so, जब हम किसी पर्सन को डिस्क्राइब करते हैं तो हम क्या करते हैं उसके बायोग्राफिकल स्केच लिखते हैं उसके बायो उसकी लाइफ के बारे में स्केच लिखते हैं उसकी इवेंट्स के बारे में लिखते हैं उसकी लाइफ बर्थ से लेके प्रेजेंट टाइम तक उसके जो मेन इवेंट्स हुए हैं उसकी लाइफ में जो जो इवेंट्स हुए हैं जो जो उसके साथ बीता है वो सारा लिखा जाता है उस टाइम स्टार्टिंग से लेके बर्थ टाइम से लेके अब तक के टाइम तक ठीक है तो हम क्या करते हैं वैसे बेसिकली हम उस अगर शॉर्ट में बात की जाए तो पर्सन की कैरेक्टरिस्टिक्स उसके गुणों के बारे में उसकी लाइफ के बारे में उसकी जो चीज़ों ने इवेंट्स ने जो उसकी लाइफ पे असर किया है उसके बारे में लिखा जाता है लाइक अगर किसी पर्सन की डेथ हो गई है उसकी फैमिली में तो उसके बारे में हम लिखेंगे उसके ऊपर इफ़ेक्ट क्या हुआ we write about that so here is description of physical appearance should move अ uh, the gen uh, most general aspect to the most specific details so jab hum shuru karenge to general se leke specific tak ki taraf jayenge अगर आप किसी person को describe uh, कर रहे हो तो पहले height हाँ या उसका build up कैसा है strong है slim है ठीक है age कितनी है उसके बाद facial features features लिखो कि face कैसा है thin है शाबी चाइबी है sorry चबी है या उसकी आइज कैसी हैं या नोज कैसा है हेयर किस कैसे हैं उसके बाद उसके क्लोथ्स कैसे उसकी क्लोथिंग सेंस कैसी है अब जैसे नेक्स्ट वीयर वी विल टॉक अबाउट डिस्क्राइबिंग पैराग्राफ प्लेस आई टू मैंशन अबाउट द पर्सन के जब आप पर्सन के बारे में लिखो यू शुड यूज मैक्सीम ऑफ द यू नो मैक्सीम ऑफ द फिगरेटिव लैंग्वेज एज वेल एज़ यू शुड यूज़ मैक्मम ऑफ द एडजैक्टिवस जब आप फिगरेटिव लैंग्वेज यूज़ करते हो तो उससे क्या होता है बहुत इम्पैक्ट पड़ता है आपका जो राइटिंग पोर्शन होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगता है और रीडर पर उस पर रीडर पर उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है सो लेट इस स्टार्ट विद पैराग्राफ डिस्क्राइबिंग प्लेस सो जब हम प्लेस के बारे में लिख रहे हो तो पहले हमने कुछ एक इंपॉर्टेंट स्टेप्स का देखना होता है ब्रेक ब्रेक द डिस्क्रिप्शन इन टू 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 थ्री पैराग्राफ्स तो जब हमने किसी प्लेस के बारे में लिखना है तो उसको जनरली टू या थ्री पैराग्राफ्स में लिख सकते हो इन द सेम वे अगर आप किसी पर्सन के बारे में लिख रहे हो इवन देन यू कैन राइट टू टू थ्री वन टू थ्री पैराग्राफ जिसमें फर्स्ट आप उसको कै आपको कैसे जानते हो वो आपका कौन है या आपको क्या उसके बारे में नॉलेज है हल्का फुल्का सा सेकंड में उसका फिजिकल अपेयरेंस के बारे में थर्ड में उस आपके उस बारे में आप उसके बारे में लिख सकते हो कि व्हाट आर द थिंग्स दैट यू लाइक अबाउट हिम और डिसाइक्स हिम व्हाट आर यू योर ओपिनियंस अबाउट दैट पर्सन तो इन दैट वे यू कैन कंक्लूड अबाउट द पर्सन सो इफ यू आर राइटिंग अबाउट द प्लेस तो उसके लिए उसके लिए भी टू या थ्री पैराग्राफ्स में लिखो हर पैराग्राफ में एक टॉपिक सेंटेंस होना चाहिए जब आपको पता होना चाहिए कि उसमें आपके ने क्या मेंशन करा है, उसी चीज़ के बारे में लिखना है डिस्क्राइब वन एस्पेक्ट ऑफ द प्लेस इन ईच पैराग्राफ जैसे अगर आप किसी जगह के बारे में लिख रहे हो उसके गुड पॉइंट्स क्या हैं तो वो एक पॉइंट में लिखो उसके बैड पॉइंट्स क्या हैं वो एक पैराग्राफ में लिखो ठीक है तो मतलब एक में एक आपके पास टॉपिक सेंटेंस होना चाहिए राइट नेक्स्ट इज़ इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू इंश्योर कॉन्टीन्यूटी इन पैराग्राफ़ और पैराग्राफ्स में कॉन्टीवी रहनी चाहिए ये नहीं है कि आपने एक पैराग्राफ में आपने अच्छाइयाँ लिखनी शुरू कर दी बीच में एक बुराई लिख दी फिर आपने अच्छाइयाँ लिखनी शुरू कर दी नो दे शुड हैव कॉन्टीन्यूटी अबाउट द टॉपिक यू हैव स्टार्टेड राइट द डिस्क्रिप्शन हैज़ टू बी रिटन इन वन पैराग्राफ देन इंक्लूड ऑल द डिटेल्स ब्रीफली अगर आपने सारी की सारी डिस्क्रिप्शन एक ही पैराग्राफ में लिखना है तो उसको ब्रीफली लिखी है सारी डिटेल्स को ज्यादा उसको एक्सक्रेट करने की जरूरत नहीं है ना लेटेस टॉक अबाउट द इवेंट अगर आपने इवेंट के बारे में लिखना है एनी डिस्क्रिप्शन ऑन ऑफ एन इवेंट शुड इंक्लूड फैक्चुअल डिटेल्स वाइल राइटिंग अबाउट एन इवेंट द फॉलोइंग पॉइंट शुड बी कैप्टन माइंड फैक्चुअल मतलब उसके बारे में क्या नॉलेज है ट्रूथ है जो रियलिटी है फैक्ट्स हैं वो आपने उसके बारे में लिखने हैं एज द इवेंट इज बींग डिस्क्राइब्ड आफ्टर इट्स कम्प्लीशन वन हैज़ टू यूज पास टेंस क्योंकि इवेंट तो ऑब्वियसली तभी लिखा जाता है जब वो इवेंट हो चुका है तो यू विल बी यूजिंग पास टेंस पास्ट ही यूज होगा इसमें ऑल द फैक्ट्स अबाउट द इवेंट हैज़ टू बी हैव टू बी इंक्लूडेड वाइल राइटिंग द डिस्क्रिप्शन जो जो इवेंट है जैसे इवेंट है कोई स्टार्ट हुआ है सपोज आप किसी फंक्शन पे गए कब स्टार्ट हुआ कौन वहाँ पे मेन पर्सन uh, था कौन चीफ गेस्ट था कौन कौन लोग आए हुए थे कितनी गैदरिंग थी तो इस अकॉर्डिंगली जैसे जैसे इवेंट होता जा रहा है उसकी सारी डिटेल्स आपने अकॉर्डिंगली लिखनी है राइट इट इज़ ऑलवेज बेटर नॉट टू इंक्लूड पर्सनल ओपिनियंस और कमेंट वाइल डिस्क्राइबिंग एन इवेंट अगर आप किसी इवेंट के बारे में लिख रहे हो तो यू शुड नॉट राइट कमेंट्स uh, या आपको क्या उस इवेंट के बारे में लगा या आपको क्या लगा आपको अच्छा लगा या बुरा लगा या आपको क्या लगता है कि वो कैसे इम्प्रूव हो सकता था इट्स इट इज़ नॉट रिटर्न इन द डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ ऑफ इवेंट सो दिस वॉज ऑल फॉर टूडे आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड इट वेल इफ यू डिड प्लीज डू टेल मी इन द कमेंट्स आई एल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स थैंक यू एंड हैव नाइस डे इन्जॉय योर डे बाय